हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीखेंगे कैसे सर्कुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाता है, मींस जड़त्व आघूर्ण हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सभी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सारी वीडियो मिल जाएंगे सभी टॉपिक पर। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं एक सर्कुलर सेक्शन, एक वृत्ताकार काट, ठीक है, जिसकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। रेडियस कितनी मान ली हमने इसकी, कैपिटल आर। रेडियस यानी त्रिज्या, कैपिटल आर। ओके, इसका हमें आई एक्स एक्स यानी कि एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया, आई वाई वाई यानी आई वाई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया। आप अगर देख रहे होंगे क्योंकि ये तो सिमेट्री है, तो जो आई एक्स एक्स होगा वही आई वाई वाई आएगा, और आई जेड जेड यानी जेड जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटी सी पट्टी हम मानते हैं, एक छोटी सी स्ट्रिप इसमें हम मानते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल हम कंसिडर करते हैं, सर्कुलर यहां पर कंसीडर करते हैं, कुछ इस तरीके से। ओके, और इस रिंग हमने जो माना है, इस छोटा सा क्षेत्रफल जो हमने माना है, मान लेते हैं इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है वो मान लेते हैं कितनी है, डी आर है। कितनी है, डी आर। और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं क्या है, स्मॉल आर है। तो इसमें जो सबसे पहला काम रहेगा वो रहेगा आपको इस रिंग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ रिंग निकालते हैं, एरिया ऑफ रिंग यानी इस छल्ले का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल देखिए, इस छल्ले को यहाँ से कट करके ओपन कर देते हैं, इस छल्ले को यहाँ से कट करके क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। देखिए, आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते बड़े क्षेत्रफल माइनस छोटा क्षेत्रफल, क्यों, क्योंकि ये जो डी आर है ये बहुत ही स्मॉल है, ये बहुत स्मॉल है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से, ये कितनी दूरी होगी, ये 2 पाई आर होगी, ये कैसे होगी 2 पाई आर, इसको यहाँ से कट करके जब आप इसको ओपन करोगे तो इसकी लेंथ जो आएगी वो किसके बराबर होगी, परिधि यानी सर्कमफेरेंस के बराबर होगी, और ये क्या है, डी आर। तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। अब आप थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखें, ये जो रेडियस आर है, ये जो रेडियस आर है ये कहाँ से दूरी होगी, ये जेड एक्सिस से दूरी होगी या नहीं होगी, बताइए। रेडियस आर जो होगी वो किससे दूरी होगी, जेड एक्सिस से, परपेंडिकुलर यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। इसलिए हम जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालेंगे वो किसके अबाउट निकालेंगे, जेड एक्सिस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ रिंग, इस रिंग का निकालते हैं, अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट जेड जेड, तो कितना होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या है फॉर्मूला, एरिया, एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। क्लियर बात, एरिया कितना निकाला आपने अभी इस रिंग का, 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा इंटू डी आर हो जाएगा। अब अगर आपको इस पूरे क्षेत्रफल का, इस पूरे क्षेत्रफल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया चाहिए जेड जेड के अबाउट, तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे, समाकलन, आर की आपको लिमिट भी लेनी पड़ेगी, आर कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगी आर की, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आर। तो क्या करेंगे, फॉर मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ होल सर्कुलर सेक्शन, होल एरिया में लिख देता हूँ, होल सर्कुलर सेक्शन, क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल यानी समाकलन कर देंगे, लिमिट क्या रहेगी और क्या वैल्यू है, आई जेड जेड, लिमिट क्या रहेगी, 0 टू कैपिटल आर, 0 टू कैपिटल आर, 2 पाई आर क्यूब इंटू डी आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 पाई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, आर क्यूब का क्या होगा, आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4, लिमिट क्या है, 0 टू आर। तो इसमें लिमिट पुट करोगे आप, आर की जगह कैपिटल आर पुट करोगे, 4 माइनस 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया, ये 2 पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाय 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 इंटू आर की पावर 4। तो ये रहेगा आई जेड जेड इन फॉर्म ऑफ रेडियस, किसकी फॉर्म में, रेडियस की फॉर्म में। लेकिन अगर आप इसको डायमीटर की फॉर्म में रखना चाहते हो, डायमीटर की फॉर्म आपको चाहिए, तो आई जेड जेड बराबर पाई बाय 2 इंटू आर, आर की जगह क्या रख देंगे, डी बाय 2 का पावर 4, तो कितना आ जाएगा, पाई डी की पावर 4 अपॉन 32, 2 की पावर 4 कितनी होगी, 16, 16 टू जा
32, तो ये क्या रहेगा हमारे पास आई जेड जेड। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है क्या आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई। देखिए आई जेड जेड इज इक्वल टू क्या होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है, ये हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आई पर क्लिक करिए और सीख लीजिए। ठीक है, इस सेक्शन में क्योंकि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों बराबर होंगे, तो या तो आई एक्स एक्स प्लस आई एक्स एक्स लिख लो, तो क्या हो जाएगा 2 आई एक्स एक्स हो जाएगा। और आई जेड जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 32 इज इक्वल टू 2 आई एक्स एक्स। तो आई एक्स एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 नीचे जाएगा, पाई डी की पावर 4 पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 64। और यही किसका फॉर्मूला रहेगा आई वाई वाई का फॉर्मूला रहेगा, यही किसका फॉर्मूला रहेगा आई वाई वाई का फॉर्मूला रहेगा। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर आपको एक ऐसी लाइन के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि क्या हो स्पर्श करते हुए जाए, जो कि स्पर्श करते हुए जाए और आई एक्स एक्स के क्या हो पैरेलल हो, तो इसमें क्या लगाएंगे फिर आप, क्योंकि अगर आप सीरीज को पूरा फॉलो कर रहे हो तो बड़े आराम से बता सकते हो कि जी इसमें आप लगाओगे समांतर अक्ष पर में पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि क्या होगी आई पी क्यू इज इक्वल टू आई जी या आई एक्स एक्स प्लस ए इंटू एच स्क्वायर, जबकि एच क्या है ये डिस्टेंस हो और ये डिस्टेंस हो क्या है कैपिटल आर है। तो आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या है पाई बाई टू इंटू आर की पावर 4 इंटू आर की पावर 4 प्लस एरिया क्या होगा इसका बताना पाई इंटू आर स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये फिर पाई बाई टू इंटू आर की पावर 4 प्लस पाई आर की पावर 4, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाय 2। इस तरह के सवाल कंपटीशन एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। तो ये था सर्कुलर सेक्शन के लिए कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।